आपको आज न्यू गल्ला का डिजाइन बताने जा रही हूँ। ये मेरा हो गया ऐसे पीछे का है गल्ला, तो इसमें हम ऐसे गल्ला पलट के और ऐसे हम इस पर पाइपिंग बैठाएंगे, फिर मोती बैठाएंगे बिल्कुल ऐसे। आप लोग ध्यान से देखें, चले आए देखें। तो इस पर हमने इस बराबर का कैसे रख देते हैं गल्ला को, ऐसे पलट देंगे अभी सिलाई करके। यहाँ टक्की लगा लिए कि मेरा ऐसे अस्तर इधर उधर हो ना, दोनों पट्टी बराबर रहे। एक चाप का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई पर मरा देंगे। पूरा सिलाई अब लग गया, अब इसे काट के हम हटा देते हैं नीचे कपड़ा। इसे हम बीच में कट लगा लेते हैं ताकि मेरा ऐसे अच्छा से गोल लेते पलटा। लग गया है हमने से इसे हम ऐसे नखुन्नी से थोड़ा बैठा लेते हैं। अस्तर बिल्कुल ऐसे मेरा अंदर रहे, बाहर नहीं दिखना चाहिए। और इसे हम सिलाई लगा देते हैं बिल्कुल ऐसे, एक सूता पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखिए मेरा ये सिलाई पूरा चल गया है। जिसे हम इधर का जो अस्तर है इसे दोनों को अटैच कर लिए। वीडियो का पूरा देखिएगा, जितने नए लोग हैं बिल्कुल ऐसे अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोग को भी समझ में आ सका। मेरे सिलाई ये पूरा चौपट्टी हम लगा दिए, जो एक फालतू कपड़ा है ऐसे करम इसे हम हटा देते हैं कट के। बीच में हमने इसका ऐसे फीता ऐसे बना लेते हैं। एक इंच कपड़ा काटे हैं और बिल्कुल ऐसे फीता ही ऐसे सारा फीता को बना लिए हैं। अब इसको हम ऐसे 2.5 इंच पर सबको ऐसे कटिंग कर लेंगे। 2.5 इंच पर है तो बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर करके ऐसे हम सबको कटिंग कर लेंगे एक साइज में, ताकि मेरा वैसे बड़ा छोटा कोई ना हो। हम काट लिए हैं सबको, अब इसे हम बैठाएंगे
जब भी बैठाएंगे तो ये चीज में ध्यान रखेंगे कि जो ऐसे दोनों ये हम मोड़े हैं तो वो ऐसे नीचे रखना चाहिए, और मेरा ऐसे ये जो ऐसे गोल है कपड़ा ऐसे हम ऊपर रखें, बिल्कुल इस ढंग में सारा कपड़ा को रखें, और बिल्कुल एक सुचाई हम मार्जिन रखते हुए गला वाला हम ऐसे सिलाई से लगा दें, इससे फिर हम लाइस भी लगाएंगे, फिर मोती भी बैठाएंगे। इस पर मेरा गल्ला में क्या ऐसे पूरा ऐसे गोल से पूरा में हमने लुपी बैठा दिए हैं। अब इसके किनारे किनारे हम ऐसे लैस भी बैठा रहे हैं। अब ये लैस हो गया है तो बिल्कुल हम इसको किनारे में दम एक बराबर सम दे के भी लैस बैठा रहे हैं। लैस को जब भी बैठाए तो थोड़ा सा ढीला करके बैठाए, अब यहाँ पर गोल घूमेगा तो यहाँ पर भी हम लाइट को और ढीला से हम देंगे ताकि मेरा लाइट ऐसे ऊपर ऐसे पलटे नहीं। इतना हम ढीला देंगे तो मेरा क्या अच्छा से यहाँ पर गोल घूमेगा। हमने एक सिलाई पर लगा लिए हैं, अब दूसरा सिलाई हम जो ऐसे पलट जाए तो हम इसे भी दाब देते हैं, दो सिलाई पर लगा देते हैं। लेकिन लाइस पर तो सिलाई चला लिए हैं, अब इस पर हम ऐसे मोती बैठाएंगे। मेरा ये मोती हो गया है, अब इसे हम सुइया धागा से ये मोती बैठा देंगे। जब भी यहाँ पर मोती बैठावे तो इधर से हम ऐसे गिट्ठे से मार के धागा नहीं काटेंगे, और फिर हम ऐसे दूसरा तरफ निकाल लेंगे सुइया को। इधर भी हम धागा ज्यादा टाइट नहीं पीरेंगे, टाइट करेंगे तो यहाँ पे लूजिंग हो जाएगा कपड़ा ना, तो हम एकदम बराबर से धागा को रखेंगे। इसमें अब देखिए पूरा मोती भी ऐसे लग चुका है, अब इसमें सिर्फ रह गया है सिर्फ फीता लगाने के लिए, वो भी मैं लगा के बता देती हूँ। पूरा मोती लग चुका है, देखिए पूरा मोती लग चुका है। एक पट्टी भी दिखा देते हैं, देखिए इधर धागा ऐसे है, इसमें सिर्फ फीता लगाना है। मेरा फीता देखिए बना हुआ है, ऐसे खाली यहाँ से टट्टी लगा देंगे।